आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ हेडक्वार्टर डॉक्टर रेणु शर्मा जी से। मैम आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। अगर आपके यहाँ तक की जर्नी की बात की जाए, किस तरह की रही और किस तरह से आपका मेडिकल फील्ड की तरफ रुझान बढ़ा? मेडिकल फील्ड की तरफ मेरे को शुरू से, जब मैं स्कूल पीरियड से ही मुझे ये शौक़ था कि उस वक्त ऑप्शन होती थी साइंस या आर्ट्स, तो ज़्यादा गर्ल्स उस ज़माने में आर्ट्स लिया करती थी या होम साइंस लिया करती, पर मुझे शुरू से साइंसेस की तरफ एक बेंट था मेरा साइंस पढ़ने में, और मुझे इंटरेस्ट था बायोलॉजी में, तो इस करके मैंने साइंस के लिए ऑप्ट करा। और उस ज़माने में लड़कियां नॉन मेडिकल में कम जाती थी, मेडिकल में ही जाती थी गर्ल्स ज़्यादा। आजकल तो बच्चे इंजीनियरिंग प्रेफर में भी जा रही हैं गर्ल्स, तो तब क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज वगैरह थी नहीं, तो इंजीनियरिंग में मोस्टली लड़के ही जाते थे। तो लड़कियां जो साइंस पढ़ती थी उनके लिए मेडिकल ही ऑप्शन रहती थी, MBBS या BDS की बात है मम्मी। ये मैं बात कर रही हूँ 70s की जी। तो मुझे वैसे शुरू से मेडिकल प्रोफेशन में इंटरेस्ट था, और मेरे फादर चाहते थे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाऊँ। उनको शौक था कि बेटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाए, उनको था ये मेरी बेटी DC बने, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें, मुझे शुरू से मेडिकल में। तो मेरे फादर मुझे बोलते थे कि बहुत पढ़ना पड़ेगा मेडिकल में, वो तो आप पढ़ोगे। मैं बोलती थी हाँ मैं पढ़ूंगी, मुझे सीट मिलनी चाहिए, मैं मेहनत करूँगी और मैं पढ़ूंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रुझान उस तरफ था, और जब इंसान का एक पैशन बन जाता है उस ओर बढ़ने का, फिर वो ये नहीं देखता कि कितनी डिफिकल्टीज आएंगी नहीं आएंगी, उसका बस एक लक्ष्य बन जाता है कि उसने अपने उसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। बस वैसे ही मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने मेहनत करी, और उस जमाने में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था, और 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही सीट मिलती थी जी। तो मेरी कोई 7th-8th पोजीशन थी, तो मुझे इजीली एडमिशन मिल गया MBBS में जी। अगर तब की स्टडीज़ की बात की जाए और अब की, जब उस तरह से टीचिंग के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती थी और अब की बात की जाए, क्या लगता है कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। जब हम पढ़ते थे, हमने जब MBBS स्टार्ट करी तो ये मेडिकल कॉलेज इन्फेंसी में था, नया मेडिकल कॉलेज अभी अनाउंस हुआ था, और 2-3 बैचेस हमारे से सीनियर चल रहे थे। तो ये हालत थी कि बुक्स भी हमारी मेडिकल की बुक्स जम्मू में अवेलेबल नहीं होती थी, ऑर्डर प्लेस करते थे। फिर डेली हमने 2-3 शॉप्स थी जहाँ राधा कृष्ण एंड सन से एक पकेडंगे में थी और एक जीएल में दुकान थी, हमने उनके चक्कर लगाते रहना, ये बुक मंगा दो ये बुक मंगा दो, बुक्स ही अवेलेबल नहीं होती थी। यहाँ कोई बाहर जा रहा होता था तो उसको रिक्वेस्ट करनी हमें ये बुक ला दो। और अब तो टेक्नोलॉजी है, अब तो नेट पे आप कुछ भी देख सकते हो, दुनिया में क्या हो रहा है लेटेस्ट, आपको एक मिनट में बच्चों को उस लिहाज से देखा जाए, आज के बच्चों को नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। पर हमारे टाइम वो एवेन्यूज़ नहीं होते थे, बस जो क्लास में पढ़ाया टीचर ने पढ़ाया वही हम नोट्स बनाते थे और वहीं से पढ़ते थे, पर टीचर्स बहुत अच्छे होते थे तो इसलिए बुक्स की कमी फील भी नहीं होती थी। मुझे पता है कि कई सब्जेक्ट्स हमने बिना बुक्स के पास करे हैं क्योंकि बुक्स अवेलेबल ही नहीं होती थी। जब आपका एक जो आपका लक्ष्य था, जो आप अचीव करना चाहते थे, जब आपने वो अचीव कर लिया, किस तरह का आपका रिएक्शन था और क्या कहना चाहेंगे? वो बड़ा एक अच्छी फीलिंग थी। खैर मेरे लिए उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी मेरे पेरेंट्स के लिए थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि इसको इतना ज़्यादा ये एक पैशन है तो अगर इसको सीट नहीं मिलेगी तो ये डिस्करेज हो जाएगी। तो मुझे तो क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव रहते थे आपस में, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते रहते थे कि, और एक आइडिया लग जाता था कि हाँ हम कैपेबल हैं ये अचीव करने के या नहीं, तो इसलिए फीलिंग तो अच्छी थी। क्योंकि उस वक्त ये लगता था कि MBBS की सीट निकल गई तो जॉब गारंटी है। उस वक्त ये कोई भी डॉक्टर जो बन जाता था वो बैठता नहीं था, मतलब घर पर अनएम्प्लॉयड, तो बड़ी अच्छी फीलिंग थी। तो फर्स्ट टाइम आपकी कहाँ पोस्टिंग हुई थी? हम जब अभी हाउस जॉब ही कर रहे थे तो हमारा PSC का पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू हो गया था और सिलेक्शन लिस्ट निकल गई थी। तो वो ऑर्डर्स आते आते कुछ टाइम लगा, तो उस वक़्त हमें एडहॉक अपॉइंटमेंट्स दी गई, तो एडहॉक मैंने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन करा था रामकोट डिस्ट्रिक्ट बिलावन में। okay. जो कठुआ में सांबा में आती हैं। हाँ जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बाद, वहाँ का किस तरह का आपका सराउंडिंग रहा, कितना अच्छा आपको वहाँ पर लगा काम करना? अच्छा था। हम लोग उस ज़माने में बड़ी सिंप्लिसिटी होती थी, और जहाँ भी कहीं पोस्टिंग होती थी हम चले जाते थे, पेरेंट्स भी नहीं जाते थे किसी को प्रेशराइज करने के लिए कि नहीं जी इसको जम्मू में ही लगाओ या ये करो, तो ठीक रहा। मैं 2 महीने वहाँ रही एज अ डॉक,
और फिर हमारी परमानेंट ऑर्डर्स हो गए, तो मैंने फिर उसके बाद मेरा सेकंड जो फर्स्ट एज परमानेंट मैं डिस्ट्रिक्ट जो अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज सांबा है, उस वक्त पीएससी थी जी। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो कई जगह आपकी पोस्टिंग हुई, उसके बाद किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा, क्या शेयर करना चाहेंगे? बीइंग अ वुमन कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको आए, कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा? नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। बीइंग अ वुमन एज डॉक्टर, क्योंकि मुझे पैशन था, हम पेशेंट्स देखते थे और जहाँ कहीं पोस्टिंग हो जाए, हम स्टेशन पे रहते थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम। सांबा में भी मैंने वहाँ स्टे करा, 2-2.5 साल मैंने सांबा में पोस्टिंग करी। उसके बाद मेरी डोडा डिस्ट्रिक्ट में असर में हो गई, वहाँ भी हम स्टे करते थे, वहाँ मैंने 3 साल सर्विस करी। उसके बाद मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग हो गई ज्योतिपुरम में ऑन डेपुटेशन टू NHPC, वहाँ भी वक्त गुजारा, मुझे याद नहीं 3-4 साल शायद वहाँ भी रहे। तो जहाँ भी रहे हमने मन लगा के काम करा। कहीं भी हम काम करें, अलग अलग जगह, जिस तरह से जगहें चेंज होती है वैसे अलग अलग लोग भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके साथ, कैसा एक्सपीरियंस था? हम अडेप्ट करते थे जैसे सोनी आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे असर में गाँव के लोग होते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब हम NHPC में चले गए तो वहाँ एजुकेटेड क्राउड था, जो सब सर्विस क्लास लोग होते थे, तो जैसा भी होता था हम अडाप्ट देना, तो करना तो वही है ना, पेशेंट्स देखने हैं और उनको ट्रीट करना है। बीइंग अ डिप्टी डायरेक्टर क्या क्या किस किस तरह के काम आपके रहते हैं यहाँ पे? एज अ डिप्टी डायरेक्टर मेरे, मैंने हर किस्म के काम, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज होते हैं वो उनको जो मुझे वो काम देते हैं, कुछ किसी भी तरह का हो वो मुझे करना होता है। मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, तो हर तरह के काम करने होते हैं जी। इंक्लूडिंग जैसे फाइल्स जो आती हैं मेरे सामने मेरे टेबल पे, उनमें उनको स्टडी करना और एप्रोप्रिएट नोट्स डालना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जहाँ कहीं होती हैं वो अगर सर मुझे बोलते हैं उनको डिस्कस करना, कंसर्न्ड जो भी हो उनके उनको सॉल्व करना, टूर्स के लिए जाना, वेरियस टूर्स जब डिग्निटरीज कोई आते हैं या कोई वो टूर्स होते हैं। कोई अवेयरनेस कैंप भी लगवाया जाता है आपके द्वारा यहाँ हेल्थ सर्विसेज के? अवेयरनेस कैंप्स तो हमारे चलते ही रहते हैं आजकल, एवरी डे देयर इज सम डे बीइंग सेलिब्रेटेड। किसी दिन मलेरिया डे हो जाता है, किसी दिन ब्रेस्ट फीडिंग डे हो जाता है, किसी दिन कभी पोषण पखवाड़ा चलता है, कभी स्वच्छता पखवाड़ा चलता है, तो ये चीज़ें दिस कंटिन्यूअस। जितने भी अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, क्या लगता है लोग कितने अवेयर होते हैं? जो भी आपकी एक मेहनत रहती है कितनी सक्सेसफुल रहती है? बहुत सक्सेसफुल रहती है। जो IEC एक्टिविटीज़ चलती हैं, हम हॉस्पिटल्स में जो अपनी एक्टिविटीज़ चलाते हैं, जो बैनर्स पुट अप करते हैं, होर्डिंग्स पुट अप करते हैं, जैसे आजकल डेंगू के लिए पेपर में हम पब्लिकेशंस निकालते हैं, लोगों को हम बताते हैं कि इससे किस तरह बचना है, जब डायरिया का सीज़न आता है तो डायरिया के लिए करते हैं, पल्स पोलियो जब चलता है तो उसके लिए एडवर्टाइज करके लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, ज़रूर जाइए 2 बूंद पल्स पोलियो की डलवाइए बच्चे को, उसकी उसको बीमारी से बचाइए। तो इनका असर होता है और तभी आज आप देखो लोगों की वेलबींग जो स्टेटस है, उनका हेल्थ स्टेटस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जिस तरह से वेदर चेंजेस हो रही है और वायरल भी काफ़ी लोगों को रहा, काफ़ी लोग फीवर से जूझ रहे हैं, क्या एक उन्हें किस तरह से एक हेल्दी तरीके से आप उन्हें एक मैसेज? हाँ, आजकल विद द चेंज ऑफ वेदर क्या होता है कि किसी वक्त ये इससे इम्यूनिटी थोड़ी लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि कभी हम AC चलाते हैं, कभी AC बंद करते हैं, कभी हम क्लैडेड रहते हैं, कभी गर्मी लगती है, कपड़े उतने खुछ मतलब खोल देते हैं या शॉर ले लेते हैं सडनली, तो इस इम्यूनिटी कम होने की वजह से वायरल डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। आजकल वायरल फीवर लोगों को हो रहा है, तो वायरल फीवर जो होता है वो सेल्फ रिमिटिंग ही होता है, बट फिर भी केयरफुल रहना चाहिए, एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए, हेल्दी डाइट खानी चाहिए और पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। अगर हाइड्रेशन मेंटेन रहे तो वायरल लोड कम हो जाता है, तो रिकवरी में जी। जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपने स्टडी का प्रोसीजर बताया, किस तरह से आपने कि उस टाइम पे जिस तरह से आपने बताया कि बुक्स भी प्रोवाइडेड नहीं होती, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, आपके लिए जो भी दर्शक देख रहे हैं एक कामयाबी का मंत्र आप क्या उन सबको देना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कामयाबी का मंत्र मेहनत ही है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। ये है, किसी को जल्दी पे करता है, किसी को लेट पे करता है, बट हार्डवर्क ऑलवेज पेस जी। दिस इज व्हाट आई तो हार्डवर्क हमेशा जो है आपको कामयाबी की ओर बढ़ाता है। जिस तरह से आज के जो युवा है वो स्मार्ट वर्क तो करते स्मार्ट वर्क कीजिए, लेकिन हार्डवर्क जो आपको एक कामयाबी देगा वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। मैम, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, खासकर जो भी महिलाएं देख रहे हैं, जिस तरह से हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, उन सभी महिलाओं को एक मोटिवेशनल बड़ा एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी महिला बहनों को और बच्चियों को यही कहना चाहती हूँ कि
अगर विल पावर हो, डिटर्मिनेशन हो और वो ये सोच लें कि हमने ये बनना है या ये अचीव करना है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हाँ, हमें भगवान ने इतनी ताकत फिजिकली और मेंटली दी हुई है कि वी कैन अचीव एनीथिंग, और हम किसी से कम नहीं है, वी आर इक्वलेंट टू मेल मेंबर्स। जी, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर रेणु शर्मा जी। काफ़ी अच्छा इन्होंने मैसेज सभी महिलाओं के लिए दिया कि अगर किसी भी काम के लिए आपका पैशन है तो वो ज़रूर कामयाब होगा, और इन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं जो है किसी से कम नहीं है। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।